घर के अंदर के व्यूज देख रहे हैं। इनका जैसे दाना रखा हुआ है, चोकर रखा हुआ है, गाय नजर आ रही है। ठीक है, कितना ऑर्गेनाइज एक सिस्टम है, जो सफाई का सिस्टम है वो बड़ा बेहतर सफाई का सिस्टम है। गंदम है ना जी, ये गंदम के तने हैं, कितने हेल्दी हैं। ये देखे मुझे प्यार भी कर रहा है और शायद अपने दिल में मुझे आई लव यू कह रहा होगा, शायद मुझे लग रहा है लव यू टू। इसी भी सारी जिंदगी अपने पिंडा अपनी गांव मजन में कुछ ही पाया है। ये अभी हम एक मुकामी घर के अंदर यानी कजाकिस्तान के एक घर के अंदर के व्यूज देख रहे हैं। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि एक गांव के अंदर जो जिसे हम डेरा खू कहते हैं सपोज, कि वहाँ इनका जो एग्रीकल्चर में जो लाइव स्टॉक है, यानी कि जो इनकी गाय भैंस या दूध धोने के काम भी ज़ाहिर है आती हैं और गोश्त के काम भी आते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है वो छोटे जो मवेशी होते हैं, कट्टे बच्चे आप कह लीजिए, वो यहाँ पर होते हैं। और ये इनका स्टोर है, इस स्टोर के अंदर ये इन्होंने इनका जैसे दाना रखा हुआ है, चोकर रखा हुआ है, इस तरह की चीज़ें हैं जो जैसे कि हमारे गांव में कुड़ों के अंदर आप कह लीजिए कि होते हैं। ये मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि ये इन गाय और भैंसों को खिलाते क्या हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर रोटी के खुश्क टुकड़े जो हैं, ये जैसे हम अपने पंजाब के अंदर खुश्क टुकड़, सिंध में और पंजाब में खुश्क टुकड़े लेकर रोटी के उनको भिगो करके तो फिर वंडा बना करके उनको खिलाते हैं। आप जब दूध से बनाइए देखें, ये ऑलरेडी यहाँ पे भिगे हुए हैं, यानी कि ये टुकड़ जो है ये ऑलरेडी इन्होंने भिगोए हुए हैं। अब ये यहाँ से निकालेंगे और फिर निकाल के इसको, ये वंडा है इनका, यहाँ से इसको फिर मिक्स करने के बाद। अच्छा मैं आपको और बात बताऊँ कि ये देखें, ये इन्होंने पानी की टैंकी जो है ना ये बनाई हुई है, ये देखें यहाँ से पानी, वो जो यहाँ नीचे टुक्कर जो भिगोए हुए हैं, यहाँ से पानी ये टैंकी से नीचे आता है। और इस टैंकी के अंदर पानी कहाँ से आता है, वो ऑफकोर्स ऊपर से ये पानी आता होगा। और ये आप देखें कि ये एक, ये इन्होंने रखा, ये भी एक इसके ऊपर चोखर टाइप आप कह सकते हैं, उसके ऊपर मिक्स करते हैं। यहाँ ना सबज चारा आमतौर पर कम होता है, सबज चारा नहीं होता, जैसे तूड़ी है, पराली है, यही यहाँ पर ज़्यादा इन जानवरों को डाला जाता है। और जैसे हमारे एक पाइप हैं धोने के लिए, ये देखें ये एक पाइप है, ये पीछे से पाइप चलाएंगे तो ये नीचे से फर्श सारा अपना साफ कर लेंगे। तो ये मेरे साथ ये आपको अब गाय नज़र आ रही हैं। और ये देखिए कि कितना ऑर्गेनाइज एक सिस्टम है कि ये जो गाय हैं इनको नंबर भी लगे हुए हैं। ये एक गाय के लिए एक जो है वो आगे से पोर्शन बना रखा गया है। और आगे आप देख लें कि ये खुश्क चारा है, यानी इसमें वो नहीं है, सबज चारा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ स्टाला होता है, मकई होती है, होती है दूसरी जवार आप कहते हैं उसको, लूसन कहते हैं, वो नहीं होता। तो ये यही जो है खुश्क चारा बना करके उसके ऊपर फिर जैसे मैंने आपको बताया है कि चोकर वगैरह गंदम भिगो करके डालते हैं, खुश्क रोटियां जो हैं उनको गीला कर लेते हैं, वो इनको खिलाते हैं। तो अगर आप ये देखें यहाँ से, और इनकी जो सफाई का सिस्टम है वो बड़ा बेहतर सफाई का सिस्टम है। ये देखिए कि ये आपको अब ये गाय नज़र आ रही है, इनके जो सफाई का सिस्टम है वो बड़ा ठीक है। बेलचा टाइप जो है ये रखे हुए हैं, और ये जैसे ये गोबर करेंगे कुछ करेंगे तो ये चूंकि जगह पक्की है तो ये उसी वक्त इसको साफ कर लेते हैं। और ये मेन एक नाली बनी हुई है, उस नाली के अंदर ये उसको कर देते हैं। तो ये इनको मुझे पता चला है कि ये प्योर गंदम भी खिलाई जाती है, यानी प्योर गंदम जिसे कहते हैं। हमारे यहाँ तो गंदम का अक्सर कहत होता है ना, कभी फ्लोर में गंदम नहीं पहुँच पाती, कभी आटा नहीं मिलता मार्केट के अंदर। लेकिन यहाँ पर गंदम को बता रहा था कि ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा था पराली पाइप है, ये है जो गंदम है ना जी, ये गंदम के तने हैं, ये इसके ऊपर से गंदम उतर चुकी है और ये गंदम के तने हैं, ये आप देखिए। और इनको जो है वो इनके आगे डालते हैं और इसके ऊपर फिर जैसे रोटी भिगोई हुई थी मैंने बताया आपको, वो हो गया। और ये आप देखें, ये ऊपर ये बिल्कुल छत के ऊपर ये रखे हुए हैं, छत के ऊपर से नीचे इसको इसके अंदर फेंक देते हैं। और यहीं से फिर निकाल निकाल के ये इनको ऐसे डालेंगे। अभी वैसे जगाली कर रहे हैं और पिंडा चाहते हैं कि भाई की से आखिर पिंडा नहीं बेची जगाली ही कहते हैं जैसे। हाँ जी, तो ये आप ये देखें और देखें ये कितने हेल्थी और कितने सेहतमंद हैं। हमारे सबज सारा हम खिलाते हैं इनको, पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, तो ये भी सबज सारा खाते हैं। खैर ऐसी बात नहीं कि नहीं खाते, लेकिन ये चूंकि प्रॉपर गांव के अंदर नहीं है, गांव से थोड़ा सा बाहर है, यानी जो गांव के अंदर खेत जहां मौजूद है वहां तो डेफिनेटली इनको सबज सारा खिलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये शिमकेट सिटी का मजाफात है और ये प्रॉपर गांव नहीं है जहाँ खेत होंगे और जहाँ इनको खेतों में ले जाया जा सकता है, चराया जा सकता है, तो ये इसलिए इनको यही चीज़ें जो खुश्क हैं यही खिलाई जा सकती हैं। देखें माशाल्लाह कितने सेहतमंद हैं, कितने हेल्दी हैं। ये देखें मुझसे प्यार भी कर रहे हैं और शायद अपने दिल में मुझे आई लव यू प्यारा होगा, शायद मुझे लग रहा है आई लव यू टू। तो मैं अब ये आपका मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ जो मैंने गंदम की बात की है कि गंदम को कैसे इसको वो तो खिलाते हैं। जी आप इधर आइएगा और अभी जो बारिश भी हो गया ये है वो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली जो कड़ा टाइप का बड़ा सा उन्होंने बनाया हुआ है और इसके अंदर ये मुझे भाई भी दिखा रहे हैं। ये देखें ये गंदम जो है ना जी, ये देखें ये प्रॉपर गंदम है और इस गंदम को भुगोया हुआ है। ये देखिए मैं खुद चूँकि जट्टां दा पुत्तर हाँ तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लगती। असी भी सारी जिंदगी अपने पिंडों के विच अपनी गांव मजन में कुछ ही पाया है, तो इसलिए मुझे तो ये आज बिल्कुल फील नहीं होती। हो सकता है आपको फील हो रही हो। हम तो खुद जो है वो सर्दियों के अंदर गाँव भैंसों को ऐसे वो तेल नाल के साथ दिया करते थे और ये सारी गंदम ये सब हमने अपने हाथों से किया हुआ है। तो ये वो गंदम जब ये खाएँगे तो आप देखिए तो मैं कह रहा हूँ कि बड़े हेल्दी हो गए हैं। वो हेल्दी तो खुद ब खुद ही हो जाएंगे, लेकिन इसकी खूबसूरती देखिए हर चीज़ का इन्होंने इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। अब ये है इसके साथ इसको हिलाना है, ये देख लीजिए इसके साथ हिलाना है, इसके साथ वो बाल्टी में डालना है, डाल के तो जाके उनको खिला देना है। तो हर चीज़ का जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये आप देख लीजिए प्रॉपर जो है एक खूबसूरती और प्रॉपर एक हुस्न है, कल्चर है, सकाफत है। हर मुल्क की अपनी अपनी होती है, इनकी थोड़ी सी सकाफत मुख्तलिफ है और मुझे लग रहा है कि यहाँ के कुत्तों की सकाफत भी काफ़ी हमारे कुत्तों से मुख्तलिफ है। चुप ही नहीं कर रहा जब से यहाँ पे आए हुए हैं। और एक भाई को बच्चा देखने उस बेचारे को चुप कर रहा है कि भाई चुप कर दिया हमारे मेहमान आए हुए ना कर इस तरह से, तो लेकिन वो फिर भी देखा नहीं समझ रहा, मुसलसल वो भौंके जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जहाँ इंसानों का रहन सहन अलग थलग होता है वहाँ शायद जानवरों का रहन सहन भी अलग होता है, बिलखसूस कुत्तों का। तो खैर ये राय तो पन्ने में बात कर रहा है, कभी बारिश हो गई ऊपर से पानी आ रहा है और जैसे बचपन में हम पर नाले पे ऐसे हाथ धोया करते थे, नीचे खड़े होकर नहा भी लिया करते थे, तो ये वही है एक ट्रेडिशनल सिस्टम है इनका, अच्छा लगता है। और इसमें आप मैं वापस आपको इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये आप अब देखेंगे कि विटामिन ये देखें ये वो भी हो ये इनकी खुराक है यानी गंदम। अभी ये इनको इसको डालते हैं इनके आगे और देखिएगा कि ये इसको बड़े शौक से खाएंगे। अभी इनको इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, इनके चेहरे देखें, इन्हें पता चल गया कि बंदा भावे पाकिस्तानी है लेकिन हमारे लिए खुराक का बंदोबस्त कर रहा है। ये देखिए ये कितना खुश होंगे, अब ये इस किसी को खाएंगे सबके आगे डालेंगे और ये इसको शौक से खाते हैं। ये देखिए ये बेसिकली गंदम ही है, गंदम के ऊपर ये चौकर वगैरह ये वो लगाया हुआ है और ये खुश होकर उसको खा रहे हैं। ये देखें अब आप देखें जो मैं डाल के आया हूँ, देखें कैसे शौक से खा रहे हैं सारे। मुझे पता है कि ये हमारे लिए ही बंदोबस्त कर रहे हैं, ये इसका मुझे सवाल नहीं, मैंने जानवरों को खिलाया है और जानवर खुश हो गए इस बात पे। बहुत शुक्रिया आपको। ये देखिए अपना अपना खाओ, उसका क्यों खा रहे हो, बुरी बात, गंदे बनो। ये सब के आगे चुनके आप डाल दिया और ये मैंने अपने मसाले तकसीम देखे कि मैंने हर किसी के सामने पूरा पूरा जो है ये साफ करने की कोशिश पूरा पूरा जो है वो आ जाएगा और अलहमदुलिल्लाह आ भी गया है। और ये गंदम ही है, लेकिन गंदम के ऊपर चोखा टाइप से जो है वो ये लगा हुआ है। ये इसमें खाली इसको डाल देते हैं थोड़ा सा, मुझे दुआओं में याद रखना। अच्छा, तो ये जी यहाँ का एक देहाती कल्चर, आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। तो अब प्रॉपर जब मैं किसी गाँव में जाता हूँ तो वहाँ जाकर मैं फिर से आपके लिए एक नया भी लोग बनाऊँगा। आई होप कि आपको वो पसंद आएगा। ये वही पर नाला है, लेकिन यहाँ नलका भी है, पानी भी है, लेकिन मैं खुद भी जैसे बताया कि पेंडू आदमी हूँ, मुझे ये ज़्यादा खूबसूरती ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा और नेक्स्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।